हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है क्रेडिट रिकंसिलिएशन। डेटा रिकंसिलिएशन के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, लेकिन आज हम लोग को क्रेडिट रिकंसिलिएशन पढ़ना है, और क्रेडिट रिकंसिलिएशन वो भी नए फॉर्मेट पे। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, हालांकि फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम क्रेडिट रिकंसिलिएशन करते हैं तो हम लोग को मेन मतलब रखना चाहिए डेबिट और क्रेडिट अमाउंट से। तो यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक क्रेडिट रिकंसिलिएशन समझाने जा रहा हूँ। जस्ट लाइक यू आर द अकाउंटेंट ऑफ एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ मुंबई एज एन अकाउंटेंट। तो हम एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स में एज एन अकाउंटेंट हैं, तो मैं अपने आप को खुद को बधाई दे देता हूँ कि मैं अकाउंटेंट बन गया। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोज निल बैलेंस। हमारी कंपनी के हिसाब से पार्टी का निल बैलेंस आ रहा है, जीरो बैलेंस। जय बालाजी लिमिटेड, हमारे क्रेडिटर कौन है? जय बालाजी लिमिटेड मुंबई। एज ऑन 31 मार्च 2019 वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, द ऑडिटर ऑफ योर कंपनी आस्क फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ दीज बैलेंसेज फ्रॉम जय बालाजी लिमिटेड। अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, जय बालाजी इज लिमिटेड सेंड यू द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। हमने जय बालाजी से अपना अकाउंट मंगवा लिया है। तो देखो, ये जय बालाजी ने, फ्रॉम जय बालाजी उसने भेजा है किसको? मुझे, एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये उसका स्टेटमेंट रहा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब जाहिर सी बात है, अब इनका अगर हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसी साल से इनसे हमारा लेन देन स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उनके अनुसार। वो कह रहे हैं 19,200 बाकी है अमाउंट, और जबकि हम अपना, जब हम लोग लेजर चेक कर रहे हैं, हमने भी, यानी हमने देखिए, हमारी कंपनी टैली पे बन रखी है एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने जय बालाजी का लेजर बना रखा है, और जय बालाजी का लेजर पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पे 1 मार्च लिखा हुआ है, हालांकि इतने तक का ही डिटेल होगा। सो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि 99,000 पूरा बिल बना था, 99,000 का पेमेंट हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। तो मेरे हिसाब से तो जीरो बैलेंस है। अब इसी को देखिए मैच कराना है। अब जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे ये बार बार स्क्रॉल करने में दिक्कत होगी, तो क्यों ना हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करें, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट विंडो, अब ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोग जय इलेक्ट्रॉनिक्स का, जय का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जय बालाजी लिमिटेड का हम लोग लेजर ओपन कर लेते हैं, और नीचे हम लोग अपना जो हमारा है। अब जो हम लोग रिकनसाइल करते हैं, सवाल उठता है कि हम रिकनसाइल कैसे करना चाहते हैं। हम उनके बैलेंस को अपने बैलेंस से मैच कराना चाहते हैं, अपने बैलेंस को उनके बैलेंस से मैच कराना चाहते हैं, तो ये तो आपके ऊपर, आप जैसे भी करिए। लेकिन फाइनली जब रिकनसाइल करेंगे तो जितने भी डिफरेंसेज हैं वो डिफरेंसेज हमें बाहर निकल के मिल जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे कि हाँ कौन कौन से डिफरेंसेज वहाँ पे हैं। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अपने बैलेंस उनसे मिलाना है कि उनके बैलेंस से हमें मिलाना है। सर, ऐसा कहीं कोई चीज़ लिखा नहीं है। इट इज़ डिपेंड ऑन अकाउंटेंट, जिसमें वो कंफर्टेबल, उसको अच्छा लगता है कि अपने बैलेंस को उनसे मिलाना है या उनके बैलेंस को अपने मिलाना। फाइनली आप क्या घूम फिर के कान पकड़ना है, चाहे आप जैसे पकड़ो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने बैलेंस को चाहे उनसे मिला लीजिए, चाहे उनके बैलेंस को अपने, फाइनली अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। फाइनली हमारा मेन मोटो क्या होता है रिकंसिलिएशन करने का, अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, रीजन ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है। सबको पता है हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी है एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से कॉपी हो ही सकता है, तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो इन द बुक्स ऑफ एम जी इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट रिकंसिलिएशन। क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, और कब बना रहे हैं, एज ऑन, ये भी लिखना होता है, एज ऑन 31 मार्च 2019, डिपेंड करता है। देखिए नॉर्मली होता है जो क्रेडिट रिकंसिलिएशन है, अब यहाँ पे चूंकि स्टेटमेंट हमने पूरे साल भर का मंगा रखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, सो हम लोग साल के अंत में कर रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आप रिकंसिलिएशन कब करते हैं, आप हर महीने महीने भी कर सकते थे। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, क्रेडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इतना आप लोग मर्ज कर सकते हैं। क्रेडिट रिकंसिलिएशन करते समय
अगर आप थोड़ा फॉर्मेट भी अच्छा बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर होता है, यूज थिक बॉक्स बॉर्डर। ओके सो ये फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है पर्टिकुलर, देन यहाँ पे अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जस्ट लाइक मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बैलेंस को उनके बैलेंस से मिला लेता हूँ। तो बैलेंस एज पर आवर बुक, यानी हमारे बुक के अनुसार, यानी एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक के अनुसार बैलेंस कितना है, जीरो है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसी में कुछ ऐड करना होगा और जाहिर सी बात है इसी में से कुछ लेस करना होगा। तब आएगा क्या, बैलेंस एज पर वेंडर, बैलेंस एज पर वेंडर, वेंडर का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं जय बालाजी। ओके अब यहाँ पे देखते हैं उनके अनुसार बैलेंस कितना आ रहा है, 19,200 वो हम साइड में लिखेंगे, 19,200 उनके अनुसार बैलेंस आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अब यहीं पे रिकनसाइल पे आपको अपना ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर उन्होंने वो दिखा रहे हैं कि हमने सेल किया है, यानी उनसे हम परचेज कर रहे हैं 59,000 का, हमने भी परचेज किया 50, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 55,000 का। जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है कितना, 50,000 का गुड्स है, CGST SGST ये 6% यानी 12% चार्ज किया गया है, और TDS कितना काट लिया हमने, जब हमने पेमेंट किया एक लिमिट से ज़्यादा तो हमने TDS भी काटा है कितना, 1,000। और यहाँ पे इन्होंने GST 18% चार्ज किया है, क्लियर होता है कि 18% GST नहीं है, यहाँ पे 12% GST है। पहला नंबर तो GST का फर्क है, दूसरा नंबर हम TDS काटे सो वहाँ पे वो मेंशन नहीं दिख रहा है और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि TDS पेमेंट करने वाला काटता है ना कि सेल करने वाला। तो फाइनली हमको डिफरेंस दो चीज़ों का दिख रहा है, एक तो GST का और दूसरा TDS का, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक्सेस GST चार्ज्ड बाय वेंडर, तो कितना परसेंट है, तो वो परसेंटेज हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, 6%, 6% एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, कितना हुआ, 6%। और ध्यान रखिएगा TDS नॉट कंसीडर्ड, जाहिर सी बात है जो कस्टमर, जो वेंडर है वो TDS तो कंसीडर नहीं करेगा, तो इसी में मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, एंड TDS नॉट कंसीडर, तो उसने TDS कंसीडर नहीं किया, तो ये हम लोग यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। ओके सो हाउ मच अमाउंट, दिस इज टोटल 4,000 अमाउंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 59 एंड 55, डिफरेंस इज 4,000। नाउ अब हमें क्या करना है, डेट मेंशन करना पड़ेगा ना, किस डेट का वो बिल था, किस डेट का वो, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं हम लोग, एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 2 जनवरी 2019। ओके सो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर, सेकेंड सेल दिखा रहा है 47,200, जबकि हमारे पास सेल दिखा, हम परचेज करके दिखा रहे हैं हम लोग 44,000। अगेन वही है, हमने 12% काटा हुआ है GST और उन्होंने कितना काटा है, 18%, अगेन 6% एक्सेस है। तो पहले तो डेट मेंशन कर दीजिए, 2 फरवरी 2019, सेम सेंटेंस लिखना है और TDS का भी सेम पॉइंट है, TDS नॉट कंसीडर। कितने अमाउंट का डिफरेंस है आप देख रहे हो, 3,200 का।
3200। नेक्स्ट देखिए, हम सब चीजों को ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं इसका भी मतलब समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात हम अपने बैलेंस को किसके बैलेंस से मैच करा रहे हैं, क्रेडिटर के, तो हमें क्रेडिटर के अकॉर्डिंगली चलना है। क्रेडिटर ने जितना एक्सेस दिखाया है हम भी उतना एक्सेस ऐड करते चले जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अब कह रहा है कि क्रेडिटर सप्लायर कह रहा है कि हमने आपको 11,800 की भी सप्लाई भेजी, लेकिन वो सप्लाई अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। लग रहा है वो रास्ते में, जाहिर सी बात 31 मार्च के दिन की बात हो रही है, 31 मार्च को उसने भेजा और 31 मार्च को हम रिकनसाइल कर रहे हैं, यानी कि लग रहा है वो गुड्स इन ट्रांजिट है। ये है 31 मार्च। गुड्स सेंड बाय वेंडर बट येट नॉट रिसीव, अभी तक रिसीव नहीं हुई हमें। बिल नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, सो बिल नंबर हम लोग नहीं मेंशन कर सकते। फाइनली टोटल कितना है, 11,800। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, ये सारे डिफरेंसेस हमने देख लिए। अब हमें देखना है पेमेंट का, हम पेमेंट करेंगे तो हमने सबसे पहला पेमेंट किया है 55,000 का, उन्हें रिसीव हो गया, जी हाँ। फिर हमने 44,000 का पेमेंट किया है, जिसमें कि बेसिकली हमने दिया 43,800 है उन्हें, यहाँ डिटेल्स में आपको दिख रहा होगा 43,800 का ही हमने पेमेंट किया है। अगर आप यहाँ कंसीडर करें 43,800 दिया है, लेकिन 200 का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया था, और वो एग्जैक्ट दिखाया है 43,800, जबकि मेरे खाते से माइनस कितना होना चाहिए था 44,000, बट उन्होंने लेस किया है 43,800, हमने ज़्यादा लेस कर दिया है, हमने 200 क्या कर दिया है, ज़्यादा लेस किया। उन्होंने लेस किया क्या, नहीं, मतलब उन्होंने डिस्काउंट को कंसीडर किया ही नहीं। डिस्काउंट, उन्होंने डिस्काउंट कंसीडर किया क्या, नहीं। ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो उन्होंने लेस किया क्या बैलेंस में से, लेस नहीं किया, तो उन्हीं के अनुसार सॉरी ऐड करना ही पड़ेगा, गलत मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐड लेस में नहीं होगा, ऐड में होगा। डेट है आपका 1st March 2019। डिस्काउंट नॉट कंसीडर बाई वेंडर 200 रुपीज। अब चलिए देखिए यहाँ पे हो गया, एक बार फिर से मैं ये डिस्काउंट नॉट कंसीडर को, फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक बार दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने देखिए लेस की, हमने उसको पेमेंट किया था 43,800, लेकिन हमने लेस किया था टोटल 44,000, हमने 200 रुपये ज़्यादा लेस किया है। क्या वेंडर ने 200 रुपये ज़्यादा लेस किया है, नहीं किया, तो उसने नहीं किया तो हम क्यों लेस किए, वापस ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम उनके बैलेंस के बराबर लेके जा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, हम उनके बैलेंस के बराबर लेके जा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे सिंपल सा है, लेस में कुछ नहीं होना है, फाइनली यहाँ पे सम करने वाले हम लोग, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, फाइनली आपका ये कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो सुंदरीकरण कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जस्ट लाइक इसको थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं अपने फॉर्मेट को, ये आपके ऊपर है बस। हाँ, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट टाइम का ध्यान रखा कीजिएगा, टाइम है तब ये सब करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे आपको एक क्रेडिट रिकंसिलिएशन, जो कि एक टैली नए फॉर्मेट पे था, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा, थैंक यू।